बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। आज की वीडियो में हम आपको टॉस के एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं, सर क्या हम टॉस के ज़रिए ओपन स्कूल, ओपन स्टेट स्कूल में अगर हम एडमिशन लेंगे टॉस में या अपोस में या नियोस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, क्या हम नीट के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या हम एमसेट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या? क्योंकि हाई कोर्ट में जो है ऑलरेडी ये केस चल रहा है कि टॉस के स्टूडेंट्स को जो है अलाउ किया जाए, बोर्ड वाले जो ओपन स्कूल के होते हैं उन लोग को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। तो काफ़ी सारे इससे जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन चल रही है सोशल मीडिया पे कि टॉस के स्टूडेंट्स, स्टेट ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स और जो है नियोस के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, बल्कि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन चल रही है वो बिल्कुल गलत है। टॉस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोग आगे जाके टॉस में बाईपीसी कंप्लीट करके जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी होती है वो यही है कि ट्वेल्थ में पीसीबी में, यानी कि आपका जो हायर सेकेंडरी होता है, ट्वेल्थ ग्रेड होता है, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है। अब बाईपीसी स्टूडेंट्स ही नीट के लिए एलिजिबल होते हैं, ये बात याद रख लीजिए। तो नीट के लिए जो है आप लोग एलिजिबल है अगर आप ओपन स्कूलिंग से, टॉस से भी करते हैं, टॉस से या अपोस से या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सोसाइटी से, तब भी आप जो है नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम जो एमबीबीएस के लिए ही होता है, सिर्फ एमबीबीएस के एडमिशन के लिए ही जो है स्टूडेंट्स जो है बाईपीसी कंप्लीट करते हैं अपना, चाहे आप रेगुलर से कंप्लीट करें या टॉस से कंप्लीट करें, इक्विवेलेंट माना जाता है अभी भी। तो 2024 के लिए भी, 2025 के लिए भी, 2023 के लिए भी जो है नीट के स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और एलिजिबल रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है आपको उसको जो है नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव सोचिए, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। टॉस का एडमिशन की डेट जो है 31 अगस्त 2023 है, अभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है, तो एसएससी में और इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें रीडर्स भी आपको मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस भी हो जाएगी आपको, और कंप्लीट आपका जो है वन सिटिंग इंटरमीडिएट आप सीईसी से भी कर सकते हैं, एचईसी से भी आप लोग इंटरमीडिएट कंप्लीट कर सकते हैं, एमपीसी, बाईपीसी भी इसमें अवेलेबल है और एमएससी वाले भी इसमें जो है आप लोग ले सकते हैं। तो जो भी जिसको भी एडमिशन चाहिए आप लोग, आज 31 अगस्त लास्ट डेट है, आप लोग एडमिशन करा सकते हैं अपना टॉस का, एसएससी और इंटरमीडिएट का। उसमें कोई भी तमाम जितना भी आपको सपोर्ट करना है, जितना भी हेल्प करना है वो हम आपको पूरा करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। इसके बारे में और डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। मेरे थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट हेल्प और सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आपको जो है पूरा गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा, आपको डेली अपडेट्स बताया जाएगा कैसा कैसा आपको करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है आपको, वन बाई वन आपको पूरा जो है वो डिटेल्स दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों तक शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।